रविवार रोज रामा मार्शल आर्ट द्वारा सुवाले बीच पर ट्रेनिंग नु आयोजन योजाई हतु। सूरत शहर में सेल्फ डिफेन्स नी ट्रेनिंग माटे रामा मार्शल आर्ट नु ट्रेनिंग सेंटर आवेल छे। आ सेंटर द्वारा रविवार रोज हजीरा स्थित आवेल सुवाले बीच पर 200 थी वधारे स्टूडेंटो नी ट्रेनिंग नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ ट्रेनिंग में स्टूडेंटो ने कराटे फाइट कमांडो ने अपाती ट्रेनिंग आपवामां आवी हती। आ ट्रेनिंग मेळवा स्टूडेंटो नी अंदर रहेला भय अने कमजोरी दूर थाय छे। आ संस्था द्वारा सेल्फ डिफेन्स नी ट्रेनिंगो अपाय छे जेमां महिला अने पुरुषो पण भाग ले छे। रामा मार्शल आर्ट द्वारा खास स्टूडेंटो ने डिसिप्लिन शीखवामां आवे छे जेथी स्टूडेंटो ने टीम वर्क करी कामगीरी करवी। रामा मार्शल आर्ट द्वारा दरेक ज्ञातिना स्टूडेंटो ने ट्रेनिंग आपवामां आवे छे। आज जो कैंप है यहाँ पे हजीरा में एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। ये कैंप का मकसद था कि लोगों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर जो एक कमजोरी महसूस करते हैं, वो अपने अंदर जो डर महसूस करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया हुआ है। और इसके अंदर काफ़ी जो टेक्निक्स हैं, जैसे हमने काता करवाया है, फाइट टेक्निक करवाई हुई है, और काफ़ी जो कमांडो टाइप की जो ट्रेनिंग होती है वो करवाई है। इस तरह के हम लोग यहाँ करीबन 10 से 12 साल से यहाँ हजीरा में हम लोग कैंप करते आ रहे हैं। दिवाली में करीबन हमारा 15 से 20 दिन का कैंप होता है और ये कैंप बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को बहुत मजा आता है। उनके अंदर जो डर छुपा हुआ था वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और ये कैंप का एक और खास मकसद होता है, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें लड़कियां भी भाग लेती हैं और बॉयज भी भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रामा मार्शल आर्ट्स फाइट के साथ साथ में ये सारे हुनर तो सिखाता ही है, इसके साथ में सबसे बड़ी चीज जो सिखाता है वो है संस्कार, यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कैसा रहा जाता है ये कैंप के अंदर ही जाना जा सकता है। हमें किस तरह से रहना चाहिए, टीम वर्क, जो टीम वर्क बन के हम लोग काम करते हैं, टीम में रह के हम लोग जो रहते हैं एक दूसरे के, यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, हर एक स्टेट के लोग हैं यहाँ पे, कई तरह के मुस्लिम लोग भी हैं यहाँ पे, और राजस्थान से हैं कई, हरियाणा से हैं कई, गुजरात से हैं कई, महाराष्ट्र से हैं कई, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, काफ़ी तरह के लोग मिलजुल के हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसका एक मकसद होता है कि हम कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा खास मकसद है हमारा। और हम लोग आशा करते हैं इसी तरह के कैंप जो हम लोग लगाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इधर से आते रहें, सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सपोर्ट रहा है। मेरे जो मास्टर टीम है उन लोगों का काफ़ी इसमें सहयोग रहा है कि उनकी वजह से कैंप अच्छे से सफल हो पाता है। मैं दिल से आभार करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का और आप सभी का कि ये कैंप में जो हिस्सा लिए, और इसके साथ साथ हम लोग कैंप के साथ में इसका जो DVD है वो सारे स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, सर्टिफिकेट देने वाले हैं, जिससे उनको एक मोटिवेट हो जाए वो कि नहीं मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में। और इतनी तकलीफों से यहाँ पे गुजरते हैं कि एक से एक जो उनके अंदर डर होता है कि मैं ये तकलीफ नहीं झेल सकता हूँ, जैसे मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, कि मैं डिप्स नहीं कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें वो हद तक हम लोग करवाते हैं कि उनका डर निकल जाता है। एक बाउंड्री होती है हमारे माइंड में कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उसको हम लोग निकलवाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा मकसद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आम रामा मार्शल आर्ट द्वारा स्टूडेंटों ने अंदर रहेला भय ने काढ़ी कई रीते पोतानी रक्षा करवी तेनी ट्रेनिंग आपवामां आवे छे।